सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा है या नहीं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से बिना इंटरनेट की मदद के। भारत सरकार ने एक USD कोड जारी किया है जिससे घर बैठे आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किन किन बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले उस मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी जो आपके बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है। हर बैंक अकाउंट के साथ कोई ना कोई मोबाइल नंबर जुड़ा रहता है जिस पर बैंक से पैसे निकालने या जमा कराने पर SMS के द्वारा नोटिफिकेशन आता है। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवा लें। बैंक अकाउंट के लिंक करवाने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जाना है डायलर में। डायलर में जाने के बाद आपको एक कोड डालना है, जो कोड है वो है *99*99#। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे आपको इस पर मतलब डायल कर देना है, कॉल कर देना है। देखिए कोड रनिंग हो रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दिए, एक दाब के रिप्लाई कर देते हैं। अब बोल रहा है कि आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर कीजिए, तो हम अपना आधार नंबर इंटर कर देते हैं। हमने अपना आधार कार्ड यहाँ पर इंटर कर दिया है, अब सेंड पर क्लिक करते हैं। अब बोल रहा है कि ये आपका आधार कार्ड है, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपना कंफर्म करके रिप्लाई कर दीजिए। हम कंफर्म कर देते हैं, अब सेंड पर क्लिक कर देंगे। अब ये देख रहा है कि देखिए आपका आधार कार्ड जो इतना है वो बैंक ऑफ इंडिया से लिंक है और लास्ट अपडेट आया था इतने तारीख को। जो मेरा आधार कार्ड है उससे मेरा अकाउंट लिंक है बैंक ऑफ इंडिया का। अगर आपका कोई भी बैंक हो या कितने भी बैंक हो, सब बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको दिखा देंगे जो आपके आधार के साथ जुड़े हुए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।